in this question. So fx is equal to x into tan inverse x plus sec inverse 1 by x when x tan into minus 1 to 1 minus 0 means 0 par ye value nahi hai aur 0 par hamare paas kya define hai function fx pi by 2 then f dash 0 means iski differentiability hame find out karni hai at x equal to 0 par to iski differentiability kya ho jayegi at x equal to 0 par so left hand derivative aur right hand derivative ye find out kare to ye value kya ho jayegi hamare paas so this is f dash of 0 minus par kya ho jayegi f dash 0 is this is left hand derivative limit h tending to 0 minus f of 0 plus h minus f of 0 upon minus h so this is equals to limit h tending to 0 minus f of 0 plus h par kya hogi ye kya ho jayegi h into tan inverse h plus sec inverse 1 by h minus f of 0 par value kya ho jayegi 0 par pi by 2 और अपॉन माइनस एच नो एच टेंडिंग टू जीरो पर ये क्या हो जाएगा सेक इनवर्स 1 बाय 0 इज इनफिनिटी सेक इनवर्स इनफिनिटी सॉरी माइनस इनफिनिटी ओके ओके तो व्हिच इज इक्वल टू पाई बाय 2 ओके पाई बाय 2 पर होगी तो ये वैल्यू पाई बाय 2 कैंसिल आउट होगी नो एच से एच कैंसिल आउट हो गया तो एच टेंडिंग टू 0 माइनस पर टेन इनवर्स 0 क्या होता है 0 तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करेंगे तो f dash 0 this is equal to limit h tending to 0 plus f of sorry ये क्या था हमारे पास 0 minus h था okay minus h okay तो जिसे minus of h okay minus minus the value okay f of 0 plus h minus f of 0 f upon h तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास limit h tending to 0 plus f of 0 plus h क्या हो जाएगा दिस h tan inverse h plus sec inverse 1 by h और minus pi by 2 0 पर pi by 2 और upon h तो h tan into 0 पर sec inverse infinity which is pi by 2 pi by 2 so pi by 2 cancel out होगा और h से cancel out हो जाएगा तो यहां आ जाएगा tan inverse 0 is h tan into 0 पर tan inverse 0 so tan inverse 0 की वैल्यू क्या होती है 0 ओके तो मींस f of f dash 0 की वैल्यू क्या आ गई इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल टू 0 तो मींस f डैश 0 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई ओके तो मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या आ गई इक्वल टू 0 तो देन f डैश 0 इज इक्वल टू 0 बिकॉज़ दिस फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन मींस f डैश 0 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास तो ये वैल्यू की इसकी f डैश 0 की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 0 मींस ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा ओके सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो f डैश 0 इज इक्वल टू 0